फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो फ्रेंड्स आज की जो वीडियो है, इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो 23 मार्च से परीक्षाएं होने वाली हैं डीएलएड 19 और डीएलएड 18 की पहले और तीसरे सेमेस्टर की, वह 23 तारीख से होंगे कि नहीं। काफ़ी स्टूडेंट में यह संशय बना हुआ है कि यह जो परीक्षा होने वाली है 23 तारीख से, यह उस डेट को होगी कि नहीं, कि पोस्टपोन हो जाएगी। तो उसी के बारे में एक बहुत ही बड़ी खबर निकल के आ रही है परीक्षा को लेकर के, तो उसी पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो फ्रेंड्स आप इस वीडियो में बने रहिए, और फ्रेंड्स अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और साथ ही में बेल आइकन भी क्लिक कर दीजिए, जिससे कि मैं कोई नई वीडियो अपलोड करूं तो आप तक उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंच जाए। तो फ्रेंड्स चलिए अब हम बात करते हैं कि जो डीएलएड 18 और डीएलएड 19 की जो पहले और तीसरे सेमेस्टर की परीक्षाएं होने वाली हैं वह टाइम पे होंगी कि नहीं। तो फ्रेंड देखिए, कोरोना के चलते पूरे देश में जो है कि सभी स्कूल और कॉलेजों को बंद कर दिया गया है, और साथ में यह हिदायत भी दी गई है कि मतलब कोई भी भीड़ भाड़ वाला कार्य नहीं होगा, जैसे पार्टी वगैरह को भी लगभग रोक ही लगा दी गई है तरीके से। तो फ्रेंड देखिए, एग्ज़ाम के बारे में जो अभी अपडेट निकल के आ रही है वह योगी सरकार का अभी हाल ही में मीटिंग हुई है आज ही के दिन, और आज ही जो उन्होंने कहा मीटिंग के बाद, उन्होंने कहा कि यूपी में जैसा कि आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि यूपी में सभी स्कूल कॉलेज और मल्टीप्लेक्स जो है वह 2 अप्रैल तक बंद हो रहेंगे और परीक्षाएं भी स्थगित होंगी। माने यानी कि जो हम लोगों की परीक्षा होने वाली है डीएलएड 19 की और डीएलएड 18 की पहले और तीसरे सेमेस्टर की, वह 100% रूप से अब जो है कि स्थगित हो जाएगी, वह किसी और डेट पे होगी, 23 तारीख से नहीं हो जाएगी। आप यहाँ नीचे पढ़ सकते हैं कि कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए उत्तर प्रदेश के सभी स्कूल कॉलेज और मल्टीप्लेक्स 2 अप्रैल तक बंद कर दिए गए हैं, और मंगलवार को सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में यह निर्णय लिया गया, और इसके अलावा सभी स्कूल कॉलेज में चल रही परीक्षाओं को भी स्थगित करने का आदेश दिया गया। मतलब यहाँ पर बहुत ही बड़ी अपडेट है कि जो परीक्षा अभी चल रही है उसको भी स्थगित कर दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, वह किसी अन्य देश पे, अन्य जो है कि किसी अन्य टाइम पे होंगी वह परीक्षाएं। आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश में कोरोना से पीड़ित मरीजों की संख्या 13 है, जिसमें से 12 भारतीय हैं और एक विदेशी नागरिक है, हालांकि इसमें से 4 लोग ठीक हो गए हैं। तो यूपी में जो सभी पर्यटक स्थल हैं वह भी 31 मार्च तक बंद है, और जो है कि अब जो है 2 अप्रैल के बाद आपकी परीक्षा कंडक्ट होगी। तो फ्रेंड्स यह बहुत ही बड़ी अपडेट निकल के आ रही है। चलिए फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टॉप करते हैं और मिलते हैं अगले नई वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।